आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। और श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत कर रहे हैं। और आज हमारे श्रोताओं के इसमें फोन आते हैं, फोन पर उनकी क्या समस्याएं हैं उनका समाधान होगा, आप उनको सलाह देंगे। तो पहला फोन आ गया है, हम देखते हैं हमारे किस श्रोता का फोन है। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम जेपी गुप्ता है, मैं वाराणसी चौक से बोल रहा हूँ। अच्छा गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजय तिवारी जी हमारे साथ हैं, आपकी क्या समस्या है पूछिए। समस्या है कि माई एज इज 70 इयर्स, 70 साल की मेरी उम्र है और मुझको हर समय बहुत छोटी छोटी बातों से डर लगता है। जैसे मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में मैं गया, मैं किसी व्यक्ति को बीमार देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं बीमार पड़ूंगा, मेरे बच्चे तो सब बाहर सेटल्ड हैं, तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। या कोई एक्सीडेंट देखता हूँ तो मुझे डर लगता है कि अगर जीवन में मेरा एक्सीडेंट हो गया और बच्चे सब बाहर रहते हैं, तो वाइफ की भी डेथ हो चुकी है, हम अकेले रहते हैं, तो कैसे क्या होगा। ये मतलब अननेसेसरी डर हर समय परेशान करता है। बेसिकली ये असुरक्षा का भावना है, जो कि आपके फैमिली में लोग बाहर ज्यादा रहते हैं और आपकी स्थिति बिल्कुल अकेलेपन की है। जी जी। तो इसलिए आपका डर भी वाजिब है, लेकिन हमें ये भी आपको बताना है कि डर के आगे जीत है, हमें इससे लड़ना होगा। और आप अपने समय को किसी न किसी रूप में पहले सेट कर लें कि हमें पूरे दिन का कार्यक्रम कैसे बिताना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है और करना कुछ नहीं है। जी जी। तो जब करना कुछ नहीं होता और समय ज्यादा होता है, तो व्यक्ति इसी तरीके से उदास या निराश होता है और उसके मन के अंदर असुरक्षा की भावनाएं आती हैं। तो पहली चीज तो आपको नींद वगैरह आती है कि नहीं? पूरा नींद तो 8 घंटे बहुत साउंड स्लीप है। नींद आपको बढ़िया आती है? तो आप बच्चों से बात करते हैं क्या? हाँ हाँ, लेकिन मतलब बच्चे अपना इतने जॉब में है, नौकरी में है सब लोग। नहीं, थोड़ा सा बच्चों से ये आपको जरूर कहना होगा कि आपके लिए कुछ समय दें और आप एक टाइम टेबल बना लें। निश्चित रूप से जब तक आपकी समयबद्धता नहीं होगी, ये डर नहीं जाएगा। और आपके आसपास या घर में कोई बातचीत करने वाला व्यक्ति है क्या? नहीं, मतलब है पड़ोसी लोग हैं। नहीं, पड़ोसी नहीं, अपना कोई? नहीं, अपना तो नहीं है कोई। घर में खाना पीना कैसे मिलता है? घर में मेड है, मेड दो मेड। अच्छा, मेड खाना बना के जाती है। आप रेडियो यूज करते हैं क्या? हाँ हाँ। एक तो आपका सबसे बड़ा साथी रेडियो है, दूसरा आप योगा व्यायाम, दूसरा साथी आपका ये है। और ये बीमारी का विषय नहीं है, ये चूंकि ऐसी परिस्थितियां आपके सामने हैं, आपको अकेलापन है, इसलिए चीजें हैं। तो कुछ इस तरीके से योजनाएं बनाई जाएं कि जिसमें आपका अकेलापन दूर हो। और समय सारणी जब बना लेंगे तो आपको ये कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसी असुरक्षा की भावना नहीं सोचना चाहिए कि आपको कुछ हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा ऐसे। और ऐसे सोचने से कभी भी किसी को कुछ नहीं हो सकता जी। ये पक्का आप विश्वास में रखिए। और अगर कहीं से हम आपका कुछ मदद कर सकते कि आपका एक समय सारणी बना के हम आपको दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपसे खुश होते जी, जी। आपके लिए अगर हम लोग कुछ मदद कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी लाइफ में खुशहाली आ जाएगी। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सर नमस्कार, मैं महेंद्र पाल बोल रहा हूँ। महेंद्र पाल जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर जौनपुर जिले से, राजापुर से। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर अजय तिवारी जी हैं मनोचिकित्सक, क्या समस्या है आपकी पूछिए। सर भाई कह रहे हैं उनका सर मैं नींद आता है, हबड़ा रहती है, बेचैनी रहती है, ऐसा लगता है की मैं मर जाऊँ, ऐसा बोलते हैं। कितना दिनों से है आपके भाई साहब को? 2 महीने से, मई से सर। देखिए, इसमें दो चीजें हैं, एक तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और दूसरा कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की उनको जरूरत है। तो मैं आपसे सलाह दूंगा कि आप जहाँ भी रहते हो, आपके नजदीक में जो कोई मनोचिकित्सक हो, आप विलम्ब उनसे संपर्क कर लें और इससे उनकी समस्या तुरंत समाधान हो जाएगी। हम लोग पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को देते हैं, जिससे मरीज को तुरंत आराम हो जाता है। अब आपके भाई साहब भी पूर्णतया ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, प्रणाम साहब, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं बलिया से बोल रहा हूँ, विजय शंकर वर्मा। हमारे साथ मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर अजय तिवारी जी, क्या पूछना है आपको, पूछिए। पूछना चाहता हूँ कि इसमें जो है मनोरोग में जो है नस भी दबती है। देखिए, नस की जो समस्या होती है वो न्यूरो में आता है जी, ये मनोरोग में नहीं आता। अच्छा। मनोरोग की समस्याओं में घबराहट, बेचैनी, बेहोशी या पागलपन, सर का दर्द, ये सब जो बीमारियां हैं, रात को नींद ना आना, ये सब समस्याएं मनोरोग में आती हैं। या कोई उटांग पटांग बिहेवियर कर रहा हो, मारपीट कर रहा हो, गाली गलौज कर रहा हो, ये सब ये जो समस्याएं हैं ये मनोरोग की समस्याएं हैं। और नस दबने की आपको पहले तो ये कैसे आपको ये पता चला कि नस दब गई है? ये MRI में निकला हुआ है। हाँ, तो आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट से, न्यूरोफिजिशियन से संपर्क कर सकते हैं। BHU में आप, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट हमारा है न्यूरोलॉजी का, आप वहाँ दिखा सकते हैं।
ठीक है साहब, ठीक है, नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। हेलो हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सर नमस्कार, मैं शिवपुर से असगर बोल रहा हूँ। असगर अली जी, डॉक्टर अजय तिवारी जी मनोचिकित्सक हमारे साथ हैं, पूछिए आप। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्ते डॉक्टर साहब, ये नमस्ते, ये कोरोना की वजह से मेरे भाई थी एकदम मतलब पागल से, ये कमरे से वो कमरे जाना, वो कमरे से सैनिटाइजर लगाना, मास्क लगाना, तो उनको ये मनोचिकित्सक को दिखाना है, क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, आप दिखा सकते हैं, उनकी समस्याओं का हम लोग समाधान कर सकते हैं। ऐसा कैसा हो गया डॉक्टर? अच्छा खासा लेडीज जो है तो कोरोना के इसके वजह से ऐसा हो गया, उनके दिमाग में एकदम भर गया कि कोरोना है। नहीं नहीं, एक बीमारी है, ये एक मनोरोग की बीमारी है जी, और ये ठीक हो सकती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद धन्यवाद। हेलो हेलो, आरोग्यम जी, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? नमस्कार जी, मैं आजमगढ़ जिले से शिवकुमारपुरी बोल रहा हूँ। अच्छा, डॉक्टर अजय तिवारी जी आपको नमस्कार कहिए, आपको भी नमस्कार। बिल्कुल, पूछिए प्रश्न पूछिए। नमस्ते डॉक्टर साहब, ऐसा है ना कि मेरी उम्र इसमें मतलब 78 वर्ष है, एक दो महीना कम है 78 वर्ष में। हाँ जी जी, मैं वैसे हल्का फुल्का रोग तो खैर हड्डी का नस का थोड़ा भी है और ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे भूल जाता हूँ कोई भी सामान अभी रखा थोड़ी देर के बाद भूल जाता हूँ खाना रख दिया, मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। देखिए ऐसा है, ये भूलने को कोई बीमारी तो ऐसा नहीं कह सकते हम। अच्छा, लेकिन उम्र के साथ जैसे हमारा शरीर में क्षरण होता है, हाँ जी, उसी तरीके से हमारे दिमाग में भी क्षरण होता है। हाँ जी, तो जब शरीर उतना यूज नहीं कर सकते हम उतनी मजबूती के साथ, तो दिमाग को उतनी मजबूती से हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं? तो है सर, पहला चीज इसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि आप जिन चीजों को जहाँ रखते हैं अगर चाहें तो उसको लिख सकते हैं या कुछ उसका एक अलग स्थान बना सकते हैं। ऐसा भी है ना, मैं अभी कुछ पढ़ता हूँ ना थोड़ी देर के बाद भूल जाता हूँ। नहीं, उसके पीछे कंसंट्रेशन की भी समस्या होगी, हो सकता है आप तनाव में रहते हो। तनाव की तो कोई बात नहीं है श्रीमान, मतलब ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ मैं, लेकिन तनाव की तो कोई सी कोई बात नहीं। तो ब्लड प्रेशर को तो हाइपर टेंशन बोलते हैं, तो टेंशन तो पहले थी इसलिए तो आपने दवाई ली। दवा तो लेते हैं, कंट्रोल में है जी, बराबर महीने में 2 बार 3 बार चेक भी कराते हैं, दवा बराबर रोज गोली लेते हैं, कंट्रोल आप, में है। आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज मेडिटेशन ये शुरू कर लें कम से कम 1 घंटे। अच्छा, और कम से कम समस्याओं पर ध्यान दें। अच्छा, निश्चित रूप से ब्रेन को जितना हल्का रखेंगे, जितना कम से कम समस्याएं मन में रखेंगी, फॉरगेटिंग की समस्या, भूलने की समस्या कम हो जाएगी। अच्छा जी। और जब आप ज्यादा भूलने लगे कि आपने खाना खाया और आपको लगता है खाना ही नहीं खाया है, अच्छा, तब आप संपर्क कर लीजिए हम लोगों से, तो उसके लिए आपको उचित सलाह देंगे। अच्छा जी, ये बीमारी अभी नहीं है, इसके लिए आप परेशान न हो। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार। हेलो नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? नीरज पांडे बोल रहा है मिर्जापुर से। जी जी, बात कीजिए डॉक्टर साहब से। नीरज जी बताएं। हेलो डॉक्टर साहब, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बताएं अपनी अपनी समस्या को। डॉक्टर साहब, हमारे पेट में कब्ज रहता है और भूख नहीं सही से लगता है। आपको नींद भी ठीक से नहीं आती ना? नहीं नहीं सर। हाँ, आपको जिस दिन नींद आपकी अच्छी हो जाएगी कब्ज और पेट सही हो जाएगा। जी जी हाँ, हाँ, आपको घबराहट भी होती होगी। हाँ घबराहट होती है। तो इसके लिए आपको वहाँ से किसी मनोरोग चिकित्सक से संपर्क करना होगा, ये किसी पेट के डॉक्टर से नहीं जाएगा बीमारी। कोई दवा आप नहीं बता सकते? देखिए, इस तरीके से दवा खाएंगे तो नुकसान करेगा। ठीक है, धन्यवाद। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम में स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? अंसारी बोल रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर अजय तिवारी जी हैं, मनोचिकित्सक, बात कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो पांडुरंग जी, डॉक्टर साहब से बात कीजिए, डॉक्टर साहब आपसे मुखातिब हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्ते। जी नमस्ते, बताएं। जी हम ये पूछना चाहते हैं कि मतलब जैसे जो इंसान का मतलब तनाव रहता है, मतलब कि उसका कारण क्या होता है, मतलब जो हर वक्त तनाव में रहते हैं तो मतलब कभी भी उनको मतलब मैं हंसते हुए नहीं देखता हूँ, जब भी देखता हूँ मतलब उसका चेहरा एकदम उदास रहता है, क्यों ऐसा होता है? देखिए, सबसे पहले जब बहुत लंबे समय तक हम किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाते और उसी समस्या में जूझते रहते हैं, तो हम एक तनाव या डिप्रेशन नाम की बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। और जब वो बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है तो बीमारी जैसा चाहती वैसा आप करते हैं। बीमारी कहती है आप उदास रहिए, उसका लक्षण उदासी है, आप उदास रहेंगे। जी, और दूसरी बात यह है कि मतलब कि जैसे कि मतलब जो है कि वो मतलब जो भी है मतलब हर वक्त तनाव में रहते हैं, कभी कभी अगर बोलते हैं तो इतने गुस्से में बोलते हैं, जैसे लगता है कि मतलब अगर कोई बात भी नहीं रहता है फिर भी वो बहुत गुस्से में बोलते हैं कोई भी बात। वो निश्चित रूप से बीमार है, और अगर कोई बीमारी है तो बिना इलाज के वो ठीक नहीं होती। अगर हमारा हाथ टूट गया है और हम चाहें कि नहीं उसको हाथ पकड़ के सही कर लें तो ऐसे नहीं हो सकता, उसको प्लास्टर कराना पड़ेगा तब ठीक होगा। इसलिए आप उनका इलाज कराएं, किसी मनोचिकित्सक या मनोरोग विशेषज्ञ से मिल करके आप इलाज कराएं,
वो निश्चित रूप से हंसने लगेंगे, आपकी मुराद पूरी होगी। जी धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। जी नमस्कार। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हाँ सर नमस्कार, हम मुगल शाह से बोल रहे हैं। नाम बताइए। पेशेंट का नाम हरप्रीत कौर है। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? हम उनके फादर बोल रहे हैं। तो आपकी समस्या क्या है ये बताइए डॉक्टर साहब को। आप चले लीजिए, पेशेंट से बात करिए अपने। हाँ कराइए कराइए। जी बताइए क्या समस्या है। 14 साल से डिप्रेशन के दिक्कत है और डॉक्टर। तो आपने कोई ट्रीटमेंट लिया कि नहीं अभी तक? हाँ लिया, वो दवा दे रहे हैं वो लिए थे लेकिन छूट नहीं थी, लगातार लेना पड़ता है। तो क्या केवल दवाइयाँ ही लेती हैं? दवाइयों के साथ कोई अन्य उपचार भी, साइकोथेरेपी काउंसलिंग भी लेती हैं? काउंसलिंग तो नहीं लेते हैं, बाकी सेरोटोनिन की जाँच हुई थी तो वो बोलते थे नहीं बन रहा आप में, तो वो मेरा बहुत कम आया है, 4.36 आया है। जी जी। हाँ वो बहुत कम आया, और बाकी अभी आयुर्वेदिक की एक तो मेडिसिन ले रहे हैं ताकत की। बात आप ठीक कर रही मैडम, लेकिन जिस बीमारी से आप सफर कर रही हैं वो बीमारी सिर्फ दवाइयाँ खाने से नहीं जाती। तो उसके लिए थोड़ा वो भी करते हैं, मेडिटेशन। नहीं, आपके करने से नहीं होगा, उसके लिए विशेषज्ञ होते हैं, वो सलाह देते हैं, अपने ढंग से कराते हैं। जब आप उनको ज्वाइन करेंगी तो आप बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। उनके अंडर में ही कर रहे हैं। कहाँ पे? ये मुगल सराय में। मुगल सराय में तो कोई साइकोथेरेपी सेंटर नहीं है, तो कहाँ से आप करती हैं? साइकोथेरेपी सेंटर नहीं, वो आयुर्वेदिक के हैं, वो करा रहे हैं मुझे थेरेपी, और क्या कहते हैं वो दे रहे हैं मेडिसिन दे रहे हैं और फिर करा। तो फिर आप हमसे क्या जानना चाहती हैं? कैसे वही दवाइयाँ कुछ चेंज होंगी, छूटेंगी कि नहीं छूटेंगी? देखिए दवाइयाँ आपकी कम भी हो सकती हैं और छूटने की बात तो जब तक आप कंसल्ट नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, धन्यवाद। हेलो हेलो प्रणाम सर। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? जी मैं चौधरी थाना जिला भदोही ग्राम सवरपुर से जंग बहादुर बोल रहा हूँ सर। बोलिए जंग बहादुर जी। डॉक्टर अजय तिवारी जी हमारे साथ हैं, मनोचिकित्सक, क्या पूछना है आपको पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्ते डॉक्टर साहब, ये पूछ रहा हूँ कि जो कि आदमी अगर किसी काम में बच गया है, उसका काम जैसे नहीं हो पाया है, अगर वो सोच रहा है दिमाग से, अचिंतित है, क्या ये भी मनोरोग में भी आता है? देखिए चिंता अगर आपके नियंत्रण में है तब तो रोग नहीं है। अगर उस चिंता की वजह से आपकी नींद गायब होती है, भूख गायब होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तब ये बीमारी हो जाती है। ये सर। तो इस अगर आपको ऐसे लक्षण कहीं से आ रहे हैं तो आपको संपर्क करना चाहिए किसी भी मनोचिकित्सक से। जी 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 सर, क्या क्या कारण है सर जी इसका? कारण तो आपने खुद ही बता दिया कि तनाव लेते हैं तो घबराहट होती है। जी जी सर। आपका कोई काम नहीं होगा, आपका कुछ लॉस हो जाएगा, कुछ आपकी समस्याएं ज्यादा गंभीर हो जाएंगी, आप उसको नहीं टैकल कर पाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। तो अगर आपकी बीमारी है तो बीमारी को हर हाल में ठीक करने के लिए आपको किसी मनोचिकित्सक या मानसिक रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। जी सर, ऐसे घरेलू कुछ ऐसा चीज नहीं है जिससे करने से लोग फिट रहे सर जी? बिल्कुल चीज है, अपने उस माहौल को बदल दीजिए जहाँ पे आपको घबराहट होती है, और थोड़ा सा योगा, व्यायाम, प्राणायाम करिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, थोड़ा लोगों से बातचीत करिए, रेडियो सुनिए, हंसिए, इससे बहुत परिवर्तन होता है। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। हेलो हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार, कौन? मैं अंजनी चौरसिया बोल रहा हूँ, नाटिमली वाराणसी से। बोलिए अंजनी जी, डॉक्टर अजय तिवारी जी हमारे साथ हैं, मनोचिकित्सक, क्या पूछना है आपको पूछिए। जी पूछना ये चाह रहे थे कि हमारे मौसेरा भाई हैं, वो डिप्रेशन के मरीज हैं, बिज्जू जी। हाँ जी, हाँ जी। उनको कभी खुशी कभी गम का माहौल, जैसे अभी सुबह मिलेंगे एकदम सही रहेंगे, शाम को फिर उनका गम हो जाता है, जिसे निराश होने लगते हैं। क्या उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है क्या? उनका ट्रीटमेंट चलता है लेकिन कुछ दिन चलाते हैं फिर बंद कर देते हैं। नहीं, ऐसे तो बीमारी को पाल के रखेंगे तो ठीक कब होंगे वो? जी इसके लिए तो उनको कम से कम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और मेडिसिन की अगर जरूरत है तो मेडिसिन का ट्रीटमेंट लेना आवश्यक है। वैक्सीन मतलब जो ये कोरोना वाला? मेडिसिन, दवाइयाँ, वैक्सीन तो ले चुके होंगे, वो तो लेना ही है। जो डिप्रेशन का रोगी है उसको मात्र दवाओं से नहीं ठीक होता। अच्छा। उसके लिए मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की भी आवश्यकता होती है, तब वो उसकी उदासी हंसी में कन्वर्ट होती है, उसको सही मार्गदर्शन मिल जाता है, और इसके लिए आपको किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करना पड़ेगा। और इधर हाल के दिनों में जो कोरोना का प्रकोप चला, इससे भी हमारे समाज के काफी लोग, हम उससे भी लोग बहुत ग्रसित हो गए हैं, विकास जैसे उनका आर्थिक प्रॉब्लम आने से। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। भी बिगड़ रही है, तो क्या उनकी मनोदशा दवा से ही ठीक होगी या व्यापार समय पर सही होने के बाद ठीक हो जाएगा? देखिए ये सारी चीजें एडजस्टमेंट की इशू है, ये काउंसलिंग से जाती है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।
हेलो हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, पांडुरंग साहब हम मऊ से बोल रहे हैं ना? जी जी, पीएन गुप्ता बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, गुप्ता साहब नमस्कार, हमारे साथ डॉक्टर अजय तिवारी जी हैं, मनोचिकित्सक। आपको क्या पूछना है, पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्ते डॉक्टर साहब, चलिए बड़ा ही वो ये खुशी की बात है, कम से कम टेलीफोन के माध्यम से जो है आप उपलब्ध हुए जो है। कुछ समस्याएं हैं डॉक्टर साहब, जैसे ये है, मैं यहीं था, ये टेलीफोन डिपार्टमेंट खरीद करता था, तो वीआरएस हमने ले लिया पिछले साल। जी जी, अब उसको जब था सर्विस में तो 10 से 5 मैंने वो ऑफिस में था जो है, तो बड़ा एक्टिव रहता था। उसके बाद से बड़ी अजीब सी जैसे मैंने लग रहा है पोस्ट रिटायरमेंट स्ट्रेस। जी जी, तो अब वो है ना, बड़ा मैंने जैसे होता है कुछ अवसाद टाइप का जो है ना, किसी काम में मन न लगना, मन ये रहना, और पूर्व की बातें अक्सर याद आती रहती हैं, कितना बढ़िया समय हमारा कट जाता था। फिर क्या इसे कुछ इस तरह की है मेडिसिन वगैरह जिससे कि हम देखिए, इसमें मेडिसिन की तो जरूरत ही नहीं है जी, क्योंकि दवाइयाँ इसको ठीक नहीं कर सकती। इसके लिए आपको एक मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ेगा जी, कि जो आगे के दिन है हाँ, उसको सकुशल कैसे बिताया जाए, किन किन एक्टिविटी से जोड़ा जाए, कि जिससे हमको अवसाद न हो, तनाव न हो जी, जी। तो इसके लिए तो एक प्लान आप खुद करें अच्छे से कि मुझे पूरे दिनचर्या को कैसे मैनेज करना है। अच्छा, और एक उत्साहजनक चीजों को जोड़ें अपने कार्यक्रम में। और सबसे बड़ा चीज होता है कि समाज की कोई भी एक चुनौती आप अपने ऊपर ले लीजिए, क्योंकि जीवन भर आपने जॉब किया है, समाज सेवा नहीं की है। हाँ, जी। आप किसी भी एक सेवा को ले लीजिए, चाहे दिव्यांगता का क्षेत्र ले लीजिए, गरीबी का ले लीजिए, या अभी कोरोना का क्षेत्र आया है कि इसमें सबको हम इंजेक्शन के लिए प्रेरित करेंगे, यही ले लीजिए, आपके अवसाद तो बहुत दूर भाग जाएंगे और आप समाज के प्रिय भी हो जाएंगे। साल भर करीब हो रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं बड़ा एक्टिव रहता था वहाँ बिल्कुल जो है ना, लेकिन भीतर जो है ना, नहीं नहीं, आपने अपने आप को क्लोज कर लिया, उसको तोड़िए, उस ताले को हटाइए जी। आप समाज में यूं ही जा करके एक विभाग से मिल लीजिए, और हम थोड़ा सा ऐसा करना चाहते हैं, लोगों के बीच में जाके मिलना चाहते हैं जी जी। और हम ये कोरोना की जो समस्याएं हैं, जिससे लोग वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं, मैं यही बात जाके लोगों को बोलूंगा जी। आप एक प्रेरणा ले लीजिए समाज के लिए, आपसे खुशहाल कोई इंसान मिलेगा नहीं जी। जी तो है। अच्छा अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक प्रणाम। हेलो नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? रमाकांत जी बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं रमाकांत जी? बनारस जिले से। अच्छा, क्या पूछना है आपको? डॉक्टर अजय तिवारी जी हमारे साथ हैं, पूछिए है। जी बताएं रमाकांत जी। हाँ सर, कार्यक्रम जो है ये हेल्थ के लिए, तो सर पेट में जैसे गैस वगैरह बन रहा है, तो उसके लिए क्या उपाय है? रात को सो पाते हैं कि नहीं आप? हाँ सर, जैसे कि वही गैस की तरह बनाता है। नहीं नहीं, रात को पूरी नींद आती है? नहीं सर। तो जब आप रात को सोएंगे नहीं तो आपका खाना ही नहीं पचेगा, तो गैस तो बन आता है। तो सबसे पहले तो सोने का प्रयास होना चाहिए, और सोने के लिए आपको खाना शाम को पहले खाना पड़ेगा, बिस्तर पे 1 से 1.5 घंटे बाद जाना पड़ेगा, पेट हल्का करके जाना पड़ेगा, रात को कम खाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, है चलिए, बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय तिवारी जी, बहुत अच्छी सलाह हमारे श्रोताओं को मिली इस कार्यक्रम के जरिए। और हमें लगता है कि बहुत एक्टिव रहना जरूरी है, चाहे आप सेवा में हों या सेवा निवृत्त हुए हों, और उसके अलावा आपकी जो एक दिनचर्या है वो बड़ी संतुलित होनी चाहिए। एक सामान्य रूप से डॉक्टर साहब दिनचर्या के लिए आप हमारे श्रोताओं को जरूर बताइए। एक फोन आ गया है, इसके बाद हम संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। हेलो, हेलो आरोग्यम से। जी आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हम सकिया से बोल रहे हैं, शानदार प्रसाद जी। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर अजय तिवारी जी हैं, मनोचिकित्सक, क्या पूछना है आपको? कुछ टेंशन वेंशन आता है, उसके लिए क्या इलाज है? तो आप बताएं, क्या लक्षण आपको क्या लगते हैं, क्या दिक्कत होती है? रात को नींद नहीं आती या घबराहट बेचैनी होती है? हाँ, कुछ ऐसी रहती है। देखिए, सबसे पहले तो दिनचर्या में परिवर्तन सबसे बड़ा आवश्यक है, आहार विहार में परिवर्तन दूसरा है, और लोगों से मिलना जुलना और अपनी मन की बातों को जरूर कहना, ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो कि आपके अंदर से बेचैनी घबराहट दूर कर सकती है। अगर इसके बावजूद भी लगता है कि हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, इसके बाद भी हम बेचैन हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तब आपको किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। और इसमें कोई संकोच नहीं, आप एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है ये, और इस बीमारी को ठीक करने के लिए जैसे आप जुखाम का इलाज कराते हैं, बुखार का इलाज कराते हैं, उसी तरीके से किसी भी मनोचिकित्सक या मानसिक रोग विशेषज्ञ से संपर्क करके आप तुरंत उपचार ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, एक सामान्य दिनचर्या में हमको क्या क्या चीजें शामिल करनी चाहिए कि हम तनाव डिप्रेशन जैसी समस्याओं से बच सकें? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि सवेरे से लेके शाम तक का एक शेड्यूल जरूर बनना चाहिए।
जी, और उस शेड्यूल का पालन भी होना चाहिए। आजकल समस्या इस बात की, हमारे पास बात तो बहुत है लेकिन कहने वाले और सुनने वाले लोग नहीं। जी, मन की बातों को किससे कहा जाए ये पता ही नहीं चलता, किसी पे भरोसा नहीं है। और जब उस मन की बात को लेके हम ढोते रहेंगे जी, तो निश्चित रूप से वो मनोरोग का विषय हो जाएगा जी। तो हम लोग दिनचर्या को दुरुस्त करें जी, और मन की बातों को किसी न किसी से शेयर जरूर करें जी, जी। आज हमारी स्थिति क्या है कि जो मेरे मन की बात है हम सोचते किससे कहें, कभी कभी घर में लगता है इनसे कहने नहीं, इनसे नहीं कहना है, पिताजी से बोल देना ना ठीक बात नहीं है जी, मम्मी से ना ना, युवा भी परेशान है जी, किससे बोले। अब अगर आप नहीं बोलेंगे तो मन के अंदर एक घुटन होगी जी। आप लाख व्यायाम कर रहे हो, रोज 5 किलोमीटर दौड़ते हो जी, खूब बढ़िया कसरत करते हो, लेकिन मन में इतना तनाव रखते हैं कि उसको बताने के लिए कहीं जगह नहीं है जी, तो निश्चित रूप से आपकी ये सारी शारीरिक पहलवानी जी, ये छोटा सा मनोविकार खराब कर देगा जी, जी। तो जितना ही आपको शरीर दुरुस्त रखनी है उतना ही आपको मन दुरुस्त रखना है जी। अगर आप मन को दुरुस्त नहीं रखते, मन की बातों को किसी से बोलते नहीं जी, मन में आप एक कम्युनिकेशन नहीं रखते, तो आप निश्चित रूप से असुरक्षा के शिकार हो जाएंगे जी। आपको हर चीज से डर लगेगी, आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा, आप पढ़ाई करेंगे बोलेंगे भूल जाएंगे, जैसा कि आप आए दिन बच्चों को सुनते हैं कि याद नहीं होता जी, क्योंकि मन कहीं और है, तन कहीं और है, विचार कुछ और है, बात कुछ और सुन रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं जी, एक तारतम्यता नहीं है जी। इसके लिए आपको एक तारतम्य व्यवस्था में आना पड़ेगा। जितना आप शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मेहनत करते हैं उससे ज्यादा आपको मानसिक स्वास्थ्य के लिए मेहनत करनी पड़ती है जी। लोग कहते हैं हमें शुगर हो गया, लोग कहते हैं मैं मानसिक रोग नहीं हूं लेकिन मुझे मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है जी। बड़ा अजीब विषय है, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहना ही हाइपरटेंशन कहा जाता है जी। तो अगर टेंशन नहीं होता तो आप हाइपर कैसे होते, अगर हाइपर नहीं होते तो दवाई क्यों लेते जी। तो ये विषय सामने है जी, इस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हेलो, हेलो सर। हाँ जी, आरोग्यम से। जी, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार। नाम बताइए, कौन? चकनिया से बोल रहे हैं सर, चिंता देवी। अच्छा, क्या पूछना? डॉक्टर साहब से पूछिए। उनको जैसे रात में नींद नहीं आती है, टूट-टूट कर आती है। ये कितना दिनों से नींद नहीं आ रही आपको चिंता जी? अरे कोई 6 महीना से हो गया सर। घबराहट बेचैनी भी होती है? हाँ, कभी कभी घबराहट हो जाती है, पसीना टाइप हो जाता है, रात में पंखा चलता है तब भी हो जाता है, रुलाई भी आती है और मन उदास रहता है। हाँ। देखिए ये एक प्रकार की बीमारी है ये, और आप इसको इग्नोर मत करिए, आप इस पे ध्यान दीजिए और डॉक्टर से संपर्क करके, खास करके ये जो बीमारी का इलाज मनोचिकित्सक करते हैं, मानसिक रोग विशेषज्ञ करते हैं। अच्छा, तो आप किसी भी डॉक्टर से संपर्क करके कैसे भी मतलब इसका इलाज नहीं कराएंगे तो आपकी समस्या और बढ़ जाएगी। अच्छा। और ये निश्चित रूप से अपने मन की बात आप किसी को बताती नहीं होंगी, मन को शांत रखती होंगी, और बार बार आपको रुलाई भी छोटी छोटी बातों में आती होगी। तो इसके लिए किसी भी आपके आसपास तो मनोचिकित्सक कोई नहीं हो सकता, क्योंकि चकिया एक छोटी बाजार है, तो आपको बनारस में आना चाहिए और संपर्क करके किसी डॉक्टर से जो मनोचिकित्सक हो मिल करके इस बीमारी को तुरंत दूर करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए, नमस्ते, धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बात हुई। और देखिए बार बार यही बात सामने आ रही है कि लोग अपनी बातों को मन में ही छुपाए रखते हैं, उसको किसी से शेयर नहीं करते हैं, बांटते नहीं अपना, जो चाहे आपकी खुशी हो, चाहे आपका गम हो, दुख हो, सुख हो, आप बांटिए। दुख बांटने से कम होता है, सुख बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको करिए और आनंद लीजिए। हम विदा लें कार्यक्रम से, इससे पहले आपकी पसंद का एक गाना श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे, कौन सा गीत है बताइए। देखिए सावन का महीना चल रहा है जी, और बाबा भोलेनाथ की नगरी है। हुँ। बारिश तो कभी हो रही, कभी रुक रुक के, कभी नहीं भी हो रही है जी, जी, लेकिन निश्चित रूप से हम और हमारे श्रोता सावन के ही गीत का आनंद लें जी। बारिश झूम के नहीं हो रही लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं, काया सावन झूम के, क्या बात है। और इस गाने को हम लोग सुनते हैं और इस कल्पना के साथ कि हम लोग निश्चित रूप से हमारा समाज जी मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा, और हर व्यक्ति जी अपने मनोभावों को, मन के अंदर की दमित इच्छाओं को जी किसी मनोचिकित्सक से जाके शेयर करेगा जी, और अपने आप को समाज के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें हुई, और इस कार्यक्रम को विराम देने का समय आ गया है। ये गीत हम श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, और डॉक्टर अजय तिवारी जी मनोचिकित्सक जो हमारे साथ थे इस कार्यक्रम में, डॉक्टर साहब को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्ते। बदरा
चढ़ गए हाइक मेले लग गए ओए मच गई धूम रे ए आया सावन ओ झूम के आया सावन झूम के लुक छुप के गोरी तेरी है डोली